हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ शोभित यूनिवर्सिटी के बारे में कि सर जो एप्लीकेशन फॉर्म अभी स्टार्ट हो चुका है अलग अलग कोर्सेज़ के लिए, तो आपको किस तरह से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट आए तो आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाए। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जैसे कि फायरफॉक्स, मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स। देन आपको उसमें टाइप करना है शोभित यूनिवर्सिटी 2023 आईएएस पेपर। आईएएस पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है, यहाँ से आपको शोभित यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। देन यहाँ पर दिया गया शोभित यूनिवर्सिटी एडमिशन 2023 एप्लीकेशन स्टार्टेड डेट्स, एलिजिबिलिटी पैटर्न एंड सिलेबस। देन यहाँ पर इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 9 फरवरी को स्टार्ट हो चुका था अलग अलग कोर्सेज के लिए एंड ये उत्तर प्रदेश में इस्टेब्लिश 2006 में इस्टेब्लिश हुआ था एंड यहाँ पर यूजीन पीजी कोर्सेज के लिए इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है। देन आपके सामने एक फॉर्म आएगा, इसमें आपको अपना फुल नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, करंट स्टेट, करंट सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स, सर्च क्वालिफिकेशन एंड देन आपको गेट फी काउंसलिंग में क्लिक करेंगे। देन आप जो है न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे, गेट फी काउंसलिंग में क्लिक करेंगे। देन आप जो है न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे, वहाँ से इससे क्या होगा आपके ईमेल आईडी एंड आपके कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आप इस यूनिवर्सिटी से सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल जाएंगी। देन यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, क्लिक हियर टू चेक द एप्लीकेशन डिटेल्स, आप क्लिक करेंगे देन आप जो है न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में दिया गया। देन यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे देन आप जो है न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे। यहाँ से आप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकेंगे। देन यहाँ पे ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए दिया गया है, जैसे इंजीनियरिंग के लिए है, बिजनेस स्टडीज़ के लिए, एजुकेशन के लिए, आपको जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई करना होगा आप उस पर क्लिक करेंगे देन आप जो है न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, देन आपके फ़ोन में एक ओटीपी आएगा, देन आपको उस ओटीपी को टाइप करना है एंड आपको पासवर्ड चूज़ करना है, सेलेक्ट स्टेट करना है, सिटी सेलेक्ट करना है एंड इंस्टीट्यूट, फिर कोर्स सेलेक्ट करना है आपको एंड देन आपको जो है टेक्स्ट मैसेज आएगा, आप उस टेक्स्ट को टाइप करेंगे देन आप आई एग्री पर क्लिक करके आपको सबमिट पर क्लिक करेंगे। देन आप जो है न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे, वहाँ पर आपको जो है अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन एंड पेरेंट्स डिटेल्स, अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स, सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में होता है जैसे कि आपको अपना नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन, कास्ट, कैटेगरी, ब्लड ग्रुप, सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है एंड देन आपको जो है आपको अपना पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन देना है। पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन में जैसे कि आपको अपने फादर का नेम, मदर नेम, देन उसके बाद उनका फ़ोन नंबर क्या है, फिर ईमेल आईडी बताना है एंड देन एनुअल इनकम कितनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है। देन जो है आपको अपनी 10th एंड 12th की परसेंटेज बतानी है, कौन से ईयर में आपने कंप्लीट किया था वो बताएंगे, कौन से यूनिवर्सिटीज़ एंड कौन से स्टेट्स आपने कंप्लीट किया था एंड ये सारे